हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो टमाटर के जो पौधे होते हैं वो आप कब और कैसे लगाएं, जिससे कि आपको एक पेड़ से या एक पौधे से बहुत सारे टमाटर मिल जाएं। तो देखिए, मैंने काफ़ी पहले ये टमाटर लगाए थे और ये मैंने पौधे ही लिए थे। सो आप भी ऐसे ही अपने घर पे टमाटर लगा सकते हैं। अभी ये कच्चे हैं, जैसे कि मैंने 3 बोरियाँ ली थी और इसी में मिट्टी मैंने भर दी थी। ये देखिए, मिट्टी है और काफ़ी साइज़ का, मतलब काफ़ी मिट्टी से भरी है तीनों में। और मैंने इसमें गोबर की खाद डाल दी है, तो आपको दिख रही होगी गोबर की खाद है, ये सब में मैंने डाली हुई है तीनों इसमें। तो इसमें ये होता है कि जो इसको इनको ना स्पेस काफ़ी मिल जाता है। और गमले में क्या होता है कि उनको सहारा देना पड़ता है, क्योंकि कुछ नीचे झुक जाते हैं पौधे। ये बिल्कुल खड़े हैं पौधे और इनकी जो देखिए डंडी कितनी मोटी मोटी है, इनकी जो ब्रांचेस होती है और ये पत्तियाँ भी काफ़ी, इनकी जो कलर हुई है कुछ और कुछ बिल्कुल हरी है। इस पौधे में, इन टमाटर के पौधों में आप फल लाने के लिए इसमें जो खाद डाली जाती है आप वो भी डाल सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अभी इसमें फूल तो नहीं लग रहे हैं, फूल अभी मर गए हैं। कुछ फूल हैं, जैसे ये एक फूल है और तो सारे टमाटर हैं। देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर हैं। तो आप भी इनको अपने घर पर लगा सकते हैं। अभी ये कच्चे हैं बिल्कुल और देखिए कितने सारे टमाटर हैं, काफ़ी टमाटर हैं इस पौधे में। इस वाले पौधे में तो काफ़ी टमाटर हैं। ये ज़्यादा पौधा लंबा भी नहीं है, नॉर्मल, ये मीडियम साइज़ में पौधे हैं। और देखिए टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं। सो आप भी ऐसे ही इनको टमाटर घर पे लगा सकते हैं। मैं और भी टमाटर के पौधे लाऊंगी, 20 से भी इनको लगा सकते हैं। सो देखिए कितने बड़े टमाटर हो गए हैं, ये देखिए। और कुछ थोड़ा पीला बना गया है जो पकने लगे हैं, और इनको भी टाइम लगेगा पकने में। सो आप भी ऐसे अपने घर में टमाटर लगा सकते हैं। आप पॉट में लगा सकते हैं अगर आपके पास बड़ा सा पॉट है तो, क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी था तो मैंने लगा दिया है। और पानी देते रहिएगा, क्योंकि अभी तो